ओम शांति। आज की तारीख है 11/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक शिव भगवान उवाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो इस बात की कि कैसे सभी को हम सत्य बाप का परिचय दे। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर है, पहले जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य भी ऊंचा बना सकें। बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है किस बात की कि किस युक्ति से हरेक तक बाप का संदेश हम पहुंचाएं। नंबर दो, ये विनाश का समय है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान सतगुरु बाबा का स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, लगाव हो ही नहीं सकता। बाबा कहते लगाव उनका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसीलिए स्वयं को राज ऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन है, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।